डियर लर्नर्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी इन एजुकेशन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी जिसके बारे में आपको मैं समझाऊंगा साथ ही पूरे विस्तार से देखिए ये चैप्टर जो यूनिट है इसको हम तीन भागों में डिवाइड करके आपको पूरा सिलेबस कराने की और आगे बढ़ेंगे देखिए सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ आई सी टी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका नाम है दोबारा सुन लीजिए इंफॉमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड इट्स कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ एंड फीचर्स डेट वेरियसली सपोर्ट टीचिंग यानी कि आईसीटी को हम एजुकेशन में हम कहें तो शिक्षा के क्षेत्र में कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन को प्रदान करने के तरीके को उपयोग करना ही आईसीटी का यूज कहलाता है लर्निंग एंड ए रेंज ऑफ एक्टिविटी इन एजुकेशन जैसे कि हम कहें कि अगर एजुकेशन में हम अदर जो भी एक्टिविटीज़ आज से पहले करते आ रहे हैं उनका एक लिमिटेड स्कोप था लेकिन आईसीटी यानी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने इसकी रेंज को बढ़ा दिया इसके एरिया को बढ़ा दिया और बहुत सारे नए नए फीचर्स इसमें लेकर आई है तो देखिए इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम है शिक्षा के क्षेत्र में इन कम्युनिकेशन फैसिलिटी और फीचर्स का प्रयोग करना ही आई का शिक्षा में यूज कहलाता है उसके बाद आई सी रेफर्स टू आई में क्या क्या कहलाता है देखिए आईसीटी रेफर करता है शेयरिंग एंड इंटरचेंजिंग इन्फॉर्मेशन सच एज नॉलेज मेंटल स्किल मोटर स्किल एंड एटीट्यूड थ्रू द यूज़ ऑफ मास मीडिया स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक अब ये कह रहा है आईसीटी का मतलब कहलाता है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक जितने भी मीडियम हैं उनके माध्यम से सूचनाओं को ज्ञान को मेंटल स्किल्स को और गतिक कौशल को और एटीट्यूड को आपस में प्रदान करना और नई नई चीज़ें एक दूसरे को सिखाना और सीखना ये सब किस में आता है आईसीटी में उसके बाद दीज टेक्नोलॉजीज इंक्लूड कंप्यूटर इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी रेडियो एंड टेलीविज़न एंड टेलीफोनी ये सारे के सारे जो टूल्स हैं जो भी है इसमें आते हैं ये आपको जानना है इंटरनेट कंप्यूटर रेडियो एंड टेलीविज़न एंड टेलीफोनी जैसे हम टेलीफोन कॉन्फ्रेंस जिस तरह से हम यूज़ करते हैं उसके बाद है यूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग टेक्नोलॉजी लाइक टेली कॉन्फ्रेंसिंग पावर पॉइंट प्रजेंटेशन सी डी रोम आर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच इज़ पार्ट ऑफ आई सी टी आई सी टी का पार्ट ये भी है देखिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी आई सी टी का पार्ट है पावर पॉइंट प्रजेंटेशन भी है सी डी भी है और रोम इस तरह से जो ये सभी हैं ये आई सी टी के पार्ट कहलाते हैं उसके बाद है अचीविंग सक्सेस इन दिस शेयरिंग एंड इंटरचेंजिंग थ्रू कम्युनिकेशन which consist of receiving hearing to seeing accepting as nothing can change unless information is accepted and getting some action changing performance or behavior achieving success in this sharing and interchanging through communication कह रहा है कि इस प्रोसेस में जो हम सक्सेस अचीव करते हैं सूचनाओं के आदान प्रदान में हियरिंग टू सी एक्सेप्टिंग एज नथिंग कैन चेंज अनलेस इंफॉर्मेशन इज एक्सेप्टिंग एंड गेटिंग सम एक्शन यानी कि सूचना वो है जो आपके व्यवहार में परिवर्तन लाए जिसे सीख कर आप कुछ नया करें डाटा प्रोसेसर्स विच आर की कंपोनेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन, इन द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा डाटा प्रोसेसर जो है इसमें की है आई सी टी कवर्स एनी प्रोडक्ट दैट विल स्टोर रिट्राइव मैनिपुलेट एंड ट्रांसमिट और रिसीव इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली इन ए डिजिटल फॉर्म फॉर एग्जाम्पल पर्सनल कंप्यूटर डिजिटल टेलीविज़न ईमेल्स एंड रोबोट्स आई सी टी में क्या क्या कवर होता है जिससे हम सूचना प्रदान कर रहे हैं उसको बदल रहे हैं सूचना को शेयर कर रहे हैं और डिजिटली रूप में जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पर्सनल कंप्यूटर डिजिटल टेलीविज़न ईमेल एंड रोबोट्स ये सारे आईसीटी के अंदर आते हैं उसके बाद है इंपॉर्टेंटली इट इज कंसर्न विद द वे दीज डिफरेंट यूजेज कैन यू वर्क विद ईच अदर और ये सभी एक दूसरे में आपस में काम कर सकते हैं उसके बाद आई सी टी इज ए पोटेंशली पावरफुल टोल फॉर एक्सटेंडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल दोनों क्षेत्र में काम आती है ये आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंटली उसके बाद आई सी टी ग्रेटली फैसिलिटेट्स एंड एक्विजिशन एंड एब्जॉर्बशन नॉलेज ऑफरिंग डेवलपिंग कंट्रीज अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी टू इनहांस इन्हांस एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव पॉलिसी फॉर्मुलेशन एग्जीक्यूशन आई बहुत सारे क्षेत्रों में अब देखिए वर्तमान में बढ़ती जा रही है ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना आ चुका है ऑनलाइन अब जितने भी सरकार के इनोवेशन देख रहे हैं वो सब आईसीटी से प्रेरित होकर ही है आईसीटी स्पेशली कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी इनेबल न्यू वेज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रैदर दैन सिंपली अलाउ टीचर्स एंड स्टूडेंट टू डू वट दे हैव डन बी इन अ बेटर वे यानी कि टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट पढ़ रहा है इस तरह के तरीके को चेंज करने के लिए पुराने जो टीचर कहते थे कि पाठ पढ़िए आप और वो याद करते थे उस तरह से नए करके नए नए तरीकों से ग्राफिक्स से पिक्चर से डायग्राम से प्रजेंटेशन से बेहतर एजुकेशन प्रदान करना ही इसके अंतर्गत आता है और ये सारे के सारे लर्नर सेंटर्ड है आईसीटी में दी जारनी हुए जब टीचिंग एंड लर्निंग कॉन्स्टिट्यूट ए शिफ्ट फ्रॉम ए टीचर सेंटर्ड पैदागोजी टू ए लर्नर सेंटर्ड यानी कि अब जो शिक्षा है वो विद्यार्थी केंद्रित है लर्नर सेंटर्ड है जो सीखने वाला है उसी को ध्यान में रख ही सब कुछ किया जाता है इसलिए आई भी उसी पर फोकस करती है उसके बाद आई सपोर्टेड एजुकेशन कैन प्रमोट दैट एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज एंड स्किल्स दैट इम्पावर स्टूडेंट्स फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो आई है जिस प्रकार की एजुकेशन देती है और जो स्किल्स डेवलप करती है वो लाइफ लॉन्ग काम आने वाले हैं उसके द डेफिनेशन ऑफ आई कैन बी डिफाइंड एज ए डाइवर्सड सेट ऑफ साइकोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड रिसोर्सेज यूज टू कम्युनिकेट एंड टू क्रिएट दिस सिमिनेट स्टोर एंड मैनेज इन्फॉर्मेशन यानी कि एक सूचना है उसको हम अलग अलग तरीक़ों से कैसे भेज सकते हैं कैसे प्राप्त कर सकते हैं क्या उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं सामने वाले के व्यवहार में क्या परिवर्तन कर सकते हैं उसको भेजने का जो माध्यम है अगर वो माध्यम इलेक्ट्रॉनिक है और डिजिटली है और जिसमें किसी हार्डवेयर टूल का उपयोग किया जा रहा है या इंटरनेट टूल का उपयोग किया जा रहा है वो आई के अंदर आता है डी एन द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज फॉर एफिशियंट मैनेजमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड आई सी टी के अंतर्गत आता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का मैनेजमेंट एनिफिशियल मैनेजमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको बता दिया हार्डवेयर जैसे आप रेडियो टेलीविजन कंप्यूटर इंटरनेट इन हार्डवेयर्स का प्रयोग कर रहे हैं और इसके अंदर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्स या जितने भी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जिस तरह के हम डिवाइस है या जो भी प्रयोग कर रहे हैं वो सारे के सारे आई में आते हैं करैक्ट्रिस्टिक्स ऑफ आई सी टी इन एजुकेशन अब हम आगे डिस्कस करेंगे एजुकेशन में इसका क्या रोल है आई सी टी इन एजुकेशन इज एनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी दैट कंट्रीब्यूट्स इन द एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग कि आई एजुकेशन में जब आएगी जब उससे हम किसी को एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ सिखा सकें उस प्रोसेस को फॉलो कर सकें जो आईसीटी में आती है इन द कंटेक्स्ट ऑफ़ द प्रेजेंट एरा आई सी टी मेनली कम्प्राइज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विद इट्स हार्डवेयर लाइक पर्सनल कंप्यूटर मशीन इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप इंटरनेट फैसिलिटी एंड सॉफ्टवेयर लाइक सी डी रोम इंक्लूडिंग वेरियस प्रोग्राम पैकेजेज ई लर्निंग स्ट्रेटजीज़ अभी कह रहा है कि आज के समय में आईसीटी क्या है कि जो हार्डवेयर है कंप्यूटर का सेट है उसके लिए जितने भी डिवाइसे चाहिए और सी जो रोम है उसके अलावा जो ई लर्निंग स्ट्रेटजीज है वे सब आई में आती है आई इन एजुकेशन इज एनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट फोकस ऑन एक्विजिशन स्टोरेज मैनिपुलेशन मैनेजमेंट ट्रांसमिशन और रिसिप्शन ऑफ डाटा रिक्वायर्ड फॉर द एजुकेशनल पर्पज अगर हम एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सीखने के परपज से आईसीटी के टूल्स का उपयोग कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं मैन्यूपुलेट कर रहे हैं तो वो आईसीटी इन एजुकेशन कहलाएगा फॉर एग्जांपल इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट रिकॉर्ड्स देयर एडमिशन अपडेट ऑफ देयर देर और करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड रखना कंप्यूटर में डाटा में वो आईसीटी में कहलाएगा उनके डाटा को किसी ऐप के माध्यम से स्टोर करना आगे भेजना सूचना को शेयर करना ये आईसीटी में कहलाएगा उसके बाद आईसीटी इन एजुकेशन इज एनी एजुकेशन टेक्नोलॉजी दैट इज अप्लाइड इन द एजुकेशनल प्रोसेस एजुकेशन प्रोसेस में हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे उसको हम आई के रूप में जान सकते हैं इटिंग का पासेज हार्डवेयर अप्रोच लाइक यूज ऑफ मशीन एंड मटीरियल हार्डवेयर अप्रोच में मशीन एंड मटीरियल का यूज़ होता है सॉफ्टवेयर अप्रोच में लाइक यूज़ ऑफ मैथडोलॉजीज एंड स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग लर्निंग सॉफ्टवेयर अप्रोच में मेथड्स टीचिंग लर्निंग के जो होते हैं वो आते हैं और सिस्टम अप्रोच में होता है मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जो हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डील करते हैं उसके बाद आईसीटी इन एजुकेशन इज़ द सपोर्ट मटेरियल इन द हैंड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन वर्ल्ड इन द एजुकेशनल प्रोसेस इन ऑर्डर टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए आईसीटी जो है एक टूल है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं उसके बाद है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आईसीटी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आईसीटी या मोड्स कहें तो सपोर्ट मोड है इसमें हम क्या कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन के लिए और एक्यूरेसी ऑफ वर्क के लिए इसमें क्या होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग वर्ड प्रोसेसिंग एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उसके बाद एक्सप्लोरेशन एंड कंट्रोल मोड इसमें स्टूडेंट को एग्जामिनेशन एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनका गेम्स के माध्यम से उनको कंट्रोल करने के लिए उनकी लर्निंग कैपेसिटी को जानने के लिए द सिमुलेशन मेक इट पॉसिबल फॉर द स्टूडेंट टू एक्सपेरिमेंट विद द वर्चुअल सिचुएशन विदाउट फेसिंग द डेंजर एसोसिएटेड विद द रियल सिचुएशन उसके बाद ट्यूटोरियल और सेल्फ लर्निंग मोड आई में सेल्फ लर्निंग मोड होता है जो अपने खुद के हिसाब से बच्चे सीख सकते हैं टीचर उनको इस हिसाब से सिखा सकते हैं रिसोर्स मोड इन दिस मोड आई सी टी यूजफुल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड अदर रिसोर्स थ्रो ऑनलाइन मीन हजाज इंटरनेट और ऑफलाइन यूजिंग सी डी रोम रिसोर्स मोड कहलाएगा लिंक मोड में हम कह सकते हैं इसे ई मेल्स के द्वारा चैटिंग के द्वारा टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ब्लॉग्स के द्वारा हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं वेरियस फैसिलिटीज का यूज करके उसके बाद आई यूज ऑफ आई सी टी इन एजुकेशन टू ब्रॉडकास्ट मटीरियल ऑनलाइन फैसिलिटी और सी डी कैन बी यूज ऑफ़ सोर्स ये हम सोर्स को यूज कर सकते हैं टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन फॉर पीपल्स विद स्पेशल नीड स्पेशल नीड प्रकार के जो बच्चे हैं जो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं उनके लिए हम आई सी टी का यूज कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से टू यूज़ इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ टू डेवलप स्पेशल अवेयरनेस एंड साइको मोटर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ का हम बच्चों को सिखा सकते हैं जो गति कौशल सीख सकते हैं कंट्रोल सीख सकते हैं टू यूज़ द ऑनलाइन रिसोर्स लाइक ई मेल चैट डिस्कशन फॉरम टू सपोर्ट कोलेबरेटिंग राइटिंग एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इस तरह के टूल्स का यूज कर सकते हैं जो एजुकेशन में हम यूज करते आ रहे हैं आप जान सकते हैं आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई वीडियो कॉल हो गई टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गई बहुत सारे जैसे पूरे भारत के स्टूडेंट्स को हमें एक जगह जोड़ना है तो हम इस तरह के टूल्स का यूज कर सकते हैं आप जानते हैं कि जैसे वर्चुअल रैली होती है वर्चुअल रैली में एक टी के माध्यम से ऑनलाइन सबको दिखाया जाता है कोई कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग होती है वो भी ऑनलाइन आयोजित की जाती है अगर स्टूडेंट्स की स्टाफ की टीचर को एक साथ जोड़ा जाना है तो इस तरह के भी आजकल आपको जानते हैं कि होते हैं प्रयोग फॉर ब्लेंडेड लर्निंग बाय कंबाइनिंग कन्वेंशनल क्लासरूम लर्निंग विद ई लर्निंग सिस्टम जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल क्लासरूम है उसको ई लर्निंग सिस्टम के साथ जोड़कर एजुकेशन में कुछ नया करना इस आईसीटी में कहलाएगा टू प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड असेसमेंट डाटा आज हम जानते हैं कि जो भी ऑनलाइन हमारा डाटा है वो हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं उस डाटा को यूज करके हम बेहतर सुविधाएँ प्रदान कर सकते हैं ये सब आई के कारण ही पॉसिबल है उसके बाद है टू एक्सचेंज एंड शेयर आइडियाज अमंग टीचर्स फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ टीचर्स की प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जो आज पर बहुत सारे ऐप्स हैं बच्चों का डाटा है ऑनलाइन अटेंडेंस है ये सब भी आई के अंदर आता है उसके बाद है टू कैरी आउट इंटरनेट बेस्ड रिसर्च टू इन्हंस एजुकेशनल प्रोसेस आजकल जो ए, रिसर्च हो रही है वो इंटरनेट बेस्ड है तो इस तरह के भी जो है प्रोसेस आईसीटी में आएगी उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग आईसीटी लर्निंग ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आईसीटी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे ताकि आपको इजीली जो है आज जो वीडियो समझाया है इसके बारे में आप सीख सकें अगले वीडियो में ऑफ अफेक्टिक लर्निंग आईसीटी के बारे में चर्चा करेंगे और और भी आपको इस यूनिट को कंप्लीट करवा के लास्ट में इसके लिए क्वेश्चन भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद